बिगिनर लोगों के लिए अभी फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्टारडस्ट। क्योंकि गाइस बिगिनर टू प्रो अगर आपको बनना है तो गाइस आपको क्या करना है, आपका जो पोकेमोन है उसको बहुत ज्यादा लेवल अप करना है। और गाइस कोई भी पोकेमोन को लेवल अप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है स्टारडस्ट एंड उसके बाद आता है कैंडी। तो गाइस ये दोनों चीज को कंबाइन करके आप किसी भी पोकेमोन को एक खतरनाक मैक्स लेवल पोकेमोन तक लेके जा सकते हो। अभी ये सीरीज बिगिनर टू प्रो है और बहुत सारे ऐसे बिगिनर न्यू प्लेयर है जिनको पता नहीं है कि वो कौन कौन सा सोर्सेस है जहां से हम लोग ढेर सारा करके स्टारडस्ट गेट कर सकते हैं। तो चलो गाइस आज का सीरीज का जो वीडियो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं ये सीरीज का और भी दो बेस्ट वीडियो बन चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना तो बिगिनर लोगों के लिए हेल्प मिल जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेट ट्रिक एक नए वीडियो में। ओके तो गाइस देखो मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा स्टारडस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहाँ पर गाइस पोकेमोन को लेवल अप नहीं, आप लोग जो वो ट्रेडिंग करो जो आप लोग करते हो ना वो ट्रेडिंग करने के लिए भी स्टारडस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट गाइस मैं फोकस करूंगा कि किसी भी पोकेमोन को ट्रेडिंग फालतू चीजें उसमें आईवी वगैरह बेकार मिलता है, ठीक है। तो उससे बेहतर है आप वो स्टारडस्ट से किसी भी पोकेमोन को जो आपके पास बेस्ट पोकेमोन है उसको लेवल अप करके मैक्स लेवल मतलब मैक्स 50 लेवल तक लेके जाओ, जिससे आप वो पोकेमोन को पीवीपी बैटल या किसी भी आप दोस्तों के साथ बैटल कर रहे हो वहां पर यूज कर सको। फर्स्ट जो वे आता है वो है कैचिंग पोकेमोन। भाई इससे बेस्ट वे तो होता नहीं है। पोकेमोन्स को कैच करो, जितना ज्यादा आप पोकेमोन्स को कैच करोगे आपको उतना ज्यादा करके स्टारडस्ट मिलेगा। तो पोकेमोन कैच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोकेमोन कैच करने के साथ-साथ गाइस यहां पर आप लोगों को एक काम करना है, अगर आपके पास स्टार पीस करके वो जो मटेरियल होता है वो है तो आप उसको यूज करना जब आप पोकेमोन को कैच करोगे। स्टार पीस यूज करके यहां पर सिर्फ आपको पोकेमोन कैच नहीं, जितना भी वेज बताऊंगा वो सारे वेज में आप स्टार पीस को यूज कर सकते हो, इससे आपको डबल करके बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक आपके पास ये क्लियर हो चुका है। जितना भी वेज बताऊंगा वो तो अलग चीज है, बट स्टार पीस आप हर एक वेज में यूज कर सकते हो। अभी स्टार पीस छोटा करके बता देता हूं कहां पर मिलता है। बहुत लोग क्वेश्चन कर सकते हैं भाई स्टार पीस तो है नहीं, तो लेवल अप करने के बाद स्टार पीस हमें मिलता है एज अ रिवॉर्ड, कभी कभी मिलता है, मतलब हर एक लेवल में नहीं मिलेगा। लाइक 9 to 10 लेवल में जा रहे हो शायद आपको स्टार पीस नहीं मिल सकता है, 10 to 11 में जा रहे हो तो वहां पर स्टार पीस मिल गया, ऐसे करके मिलता है। और एक गाइस आप लोग शॉप में जा सकते हो एंड शॉप में जाके पोके कॉइन से आप लोग स्टार पीस ले सकते हो। सो स्टार पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वे मैंने आपको बता दिया है, मैं सिर्फ जस्ट आपको इफेक्टिव वेज बताऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा स्टारडस्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारा वेज है बट गारंटेड एंड इफेक्टिव वे। तो सेकंड जो वे आता है वो है भाई रेड बैटल। भाई रेड बैटल करो, रेड बैटल कंप्लीट होने के बाद हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टारडस्ट मिलता है। लाइक 5-star रेट करो, 1-star रेट करो, 3-star रेट करो, वो आपकी मर्जी, बट डेली रेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, डेली रेट करने के बाद आपको एक अच्छा पोकेमोन भी मिलता है। लाइक मैं आपको बता दूं, रेट करने के बाद वो 1-star रेट हो, 3-star रेट हो, मेगा रेट हो या 5-star रेट हो, जितना भी आपको पोकेमोन मिलता है सबका आईवी बेटर होता है। तो रेट करना हर रोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो वे आता है वो है ओपन गिफ्ट। गाइस आप लोगों को पता है अगर आपके पास फ्रेंड है तो फ्रेंड आपको गिफ्ट भेज सकता है एंड आप भी वो फ्रेंड को गिफ्ट भेज सकते हो। तो जब वो गिफ्ट को ओपन करने के बाद भी हमें स्टारडस्ट मिलता है तो गिफ्ट ओपन डेली करना ये एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे है। अभी गाइस आप लोग पूछ सकते हो भाई आप क्यों गिफ्ट ओपन नहीं करते, भाई मेरे पास बहुत ज्यादा गिफ्ट आते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मुझे प्यार करते हो, अभी इतना ज्यादा गिफ्ट आता है मैं ओपन नहीं कर पाता हूं, दैट्स व्हाई आई एम सो सॉरी, बट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं गिफ्ट ओपन कर देता हूं। अभी आते हैं फोर्थ वे, पीवीपी बैटल तो आप लोग करते हो ना, जीबीएल में बैटल तो करते हो, तो जीबीएल बैटल में आप लोगों को पता है वहां पर एज अ रिवॉर्ड हमें स्टारडस्ट मिलता है और अच्छा स्टारडस्ट मिलता है, मतलब अच्छा अमाउंट में स्टारडस्ट मिल जाता है। तो अगर आप जीबीएल बैटल के शौकीन हो, मतलब बैटल वगैरह करते हो, तो डेली करो, वहां से तो आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो एटलीस्ट दिन में थोड़ा बहुत कर लेना। उसके बाद हैचिंग पोकेमोन। अभी गाइस देखो जब आप लोग पोकेमोन को हंट करते हो तो उसके लिए आपको वॉक करना पड़ता है, वो आप जैसे भी करो वॉक तो करना पड़ता है। गाइस वॉक करने के टाइम आप लोग एक को हैच करने के लिए रख सकते हो, एक हैच ऑटोमेटिकली हो जाएगा एंड एक हैच होने के बाद भी बहुत अच्छा अमाउंट में हमें स्टारडस्ट मिलता है गाइस, तो ये जरूर करना। अभी जो लास्ट वे बताऊंगा वो बहुत ही खतरनाक वे है भाई, मतलब कि वो एक पार्टिकुलर इवेंट एंड पार्टिकुलर डे होगा। तो ये जो है भाई ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है, यहां पर आप लोग लाखों में स्टारडस्ट कलेक्ट कर सकते हो, लाखों में। यस गाइस 1.5 घंटे में आप लोग लाखों में स्टारडस्ट कलेक्ट कर सकते हो। तो वो मैं बताने वाला हूं, उससे पहले एक काम कर देना, अगर आपने अब
अभी तक मेरे भाई चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने देखा है भाई बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, भाई ऐसा मत करो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई। आज मुझे पता नहीं है भाई इसके बाद जो पोके कॉइंस का वीडियो आएगा, मतलब बिगिनर टू प्रो पोके कॉइंस का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो वीडियो अगर देखना चाहते हो तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है तो भाई लव यू भाई, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। एंड गाइस हाँ, वीडियो में लाइक कर देना, ये वीडियो का लाइक हम लोग रखते हैं 700 लाइक प्लस। गाइस ये वीडियो के लिए तो आपको लाइक हम कंप्लीट करना है, प्लस वो पोकी कॉइंस के वीडियो के लिए भी आपको 700 लाइक्स कंप्लीट करना है, तो वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। सो गाइस अभी है लास्ट वे, एंड उससे पहले और एक चीज बता देता हूं भाई, टेलीग्राम चैनल में जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएगा। एंड भाई ये जो आप लोग करते हो ना भाई, मेरे पास दोस्त नहीं है, दोस्ती करना चाहते हो दोस्तों के साथ, पार्टी प्ले ट्रेड करना चाहते हो, लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रेड एक दूसरे के साथ, तो भाई मेरा जो फेसबुक ग्रुप है वहां पर जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाओ। तो गाइस लास्ट जो वे है वो बहुत ही खतरनाक है, उसमें आप लोग कम्युनिटी डे भी ले सकते हो या स्पॉटलाइट आवर भी ले सकते हो या कोई भी इवेंट ले सकते हो। गाइस पोकेमॉन गो में ऐसा भी बहुत सारा इवेंट आता है जहां पर हमें स्पेशली स्पॉटलाइट आवर्स में होता है, किसी किसी स्पॉटलाइट आवर में होता है कि 2x या 4x करके स्टारडस्ट मिलता है। मतलब आप जो पोकेमॉन को कैच कर रहे हो, कैच करने के बाद मान लो कि आपको जो स्टारडस्ट मिलता है उसका डबल या उसका 4 गुना ऐसा इवेंट में स्टारडस्ट मिलता है, और वही इवेंट में सबसे ज्यादा आपको स्टार पीस यूज करना है जिससे उससे भी ज्यादा आपको स्टारडस्ट मिल जाए। एक घंटा प्ले करो, भर भर के पोकेमॉन कैच करो, आप लोग लाखों में स्टारडस्ट कलेक्ट कर सकते हो एक डेढ़ घंटे में, भाई मजाक नहीं कर रहा हूं। तो ये जो इवेंट्स आता है, अगर आप स्टारडस्ट कलेक्ट करना चाहते हो तो आप उसको मिस नहीं कर सकते। जितने भी आप लोग अच्छे प्लेयर देखोगे या बड़े यूट्यूबर्स को देखोगे, उनके पास जो इतना ज्यादा स्टारडस्ट होता है वो ऐसे ही कलेक्ट करते हैं, जो अच्छा अच्छा इवेंट्स होता है इवेंट में जाके पार्टिसिपेट करते डबल ट्रिपल करके स्टारडस्ट कलेक्ट कर लेते, उसके बाद वो उसको स्टोर करके रख सकते। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, एक पोकेमॉन को 50 लेवल तक पावर अप करने के लिए भाई हद से ज्यादा स्टारडस्ट लगता है, तो अभी से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। तो चलो गाइस यही था कुछ इफेक्ट। देखो इसको छोड़ के भी बहुत सारा वेज है, मैं बता सकता हूं, बट आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जितना भी वेज मैंने बताया जस्ट डेली फॉलो करो, आपको कभी भी स्टारडस्ट का दिक्कत नहीं होगा। तो चलो गाइस यही था वीडियो, आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल होगा। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो में लाइक करके लाइक एंड जल्दी से कंप्लीट कर दो क्योंकि पोके कॉइंस का वीडियो आ रहा है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।